तो दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए खुशहाली भरा वीडियो, जिस वीडियो का हम 100 सालों से इंतजार कर रहे थे, आज वो पल आ चुका है। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने चैनल का फर्स्ट गिव अवे का। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार इस वीडियो में हमें क्या मिलने वाला है, राइट? तो इसमें आपको चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो में Realme 6 का रिव्यू करने वाले हैं, उसके बाद इसका गिव अवे करेंगे। और ये कंपनी ने मुझे कोई प्रमोशन के लिए नहीं दिया है, मैं अपनी पेमेंट से, अपने पैसों से इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो आप इसको पूरे रिव्यू देखिएगा। और आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि आदि यार आप 30K सब्सक्राइबर्स के लिए इतना बड़ा गिव अवे कर रहे हो, ऐसा क्यों? दोस्तों अभी तक मुझे YouTube से जितना भी पेमेंट मिला है मैंने इस फोन में इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यार आपका इतना प्यार मिला है ना मुझे और आपने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो बनता है। तो आप समझ सकते हो गाइस मैं 30K पर आपको ये देने वाला हूँ। तो आप जरा सोचिए अगर 1 लाख हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो आपका एक और क्वेश्चन होगा कि यार मेरे तक लॉकडाउन में ये गिफ्ट मेरे तक कैसे पहुंचेगा जो विनर होगा। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में बता दिया सब कुछ, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, बस तो यार ये Realme 6 का बॉक्स है, चिकना चिकना सा। इसको खोलने के लिए हमें चक्कू चाहिए होगा। सॉरी दोस्तों ये तो पहले से ही खुला हुआ है क्योंकि मैं पहले से ही इसे यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या निकला है। इसमें तो फोन ही नहीं है यार, ये तो Realme ने बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी हमारे साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर एक कवर हमें मिला है यार, काफी अच्छी क्वालिटी का कवर Realme ने हमें दिया है अपने फोन को टूटने से बचाने के लिए। खैर हम तो कोई ऐसी प्रोटेक्शन यूज करते नहीं है, हमें तो बिना कपड़ों की चीज ही पसंद आती है। सॉरी दोस्तों बिना प्रोटेक्शन के फोन अच्छा लगता है। तो इसमें हमें कुछ जायदाद के कागजात भी मिले हैं, वैसे हमें इतनी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास ऑलरेडी इतना ज्ञान हैगा। यार दोस्तों इसमें जो सबसे बढ़िया चीज हमें मिलने वाली है 30W का चार्जर। यार फुल चार्ज कर देगा एक घंटे में, कितना भी पबजी खेल लो यार, कितना भी कुछ भी कर लो, एक घंटे में आपका फोन फुल मिलेगा बिल्कुल बैटरी से। मैं अभी आपको रिव्यू में दिखाऊंगा। तो इसे सिंपली हम रख देते हैं संभाल के। तो आपको यहाँ पर टाइप सी केबल मिलने वाली है जो कि बहुत ही अच्छी बात है यार, कंपनी ने हमें दी है, हम पता नहीं कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। तो ये डिब्बा हो गया खाली, तो फोन देखते हैं अब हमारा कहाँ है। मैंने पहले निकाल लिया था दोस्तों, आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है पिन्नी में भी। और हम पिन्नी से निकाल के, पॉलिथीन में से निकाल के इसको चेक करते हैं। देख सकते हो आप इसकी शाइनी शाइनी, यार कितना ज्यादा चिकना चिकना लग रहा है यार, अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं मुझे। वैसे यार मुझे बचपन के दिन क्यों याद आ रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो चलो यार इसे जल्दी से ऑन करके इसे चलाते, मेरे हाथों में बहुत ज्यादा कुलकुली मच रही है। तो ये हमने ऑन कर लिया, पीछे से हम इसके जो EMI नंबर्स वगैरह की स्लिप होती है उसको हटा के बॉक्स पर लगा देते हैं। अब आप इसकी शाइनी शाइनी चिकनी चिकनी बॉडी को देख सकते हो, इसकी बॉडी में से देख सकते हो आप कैसे तरंगे से निकलनी है अलग अलग कलर की। दोस्तों इस पर मत जाना यार, ये सारे पैतरे कंपनी हमसे पैसा लूटने के लिए यूज करती है, तो ऐसे हटकंडों में मत फंसना दोस्तों। तो चलो देख लेते हैं आगे और क्या क्या मिलने वाला है। तो हमारे राइट हैंड साइड में हमें फिंगर माउंट, अपना थंब टेकने के लिए एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें 2 बटन वॉल्यूम अप डाउन और सिम और SD कार्ड स्लॉट। वहीं ऊपर वाली साइड में जगह खाली है, कुछ यहाँ पर नहीं दिया है, तो यार बड़ा दुखी हूं मैं इस बात से। तो दोस्तों यहाँ नीचे वाली साइड में आपको स्पीकर मिल जाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी में। और इसके ही बराबर में आपको जैक मिल जाता है टाइप सी का। तो इसके बराबर में आपको 2 माइक देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 माइक। हाँ इसमें अरिजीत सिंह गाना गाएगा, तेरा 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 सुरू। तो चलो यार अब हम इसकी चिकनी चिकनी कमर पे आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप प्लास्टिक का महसूस कर रहे हो कुछ यार, ग्लास और प्लास्टिक में आज के टाइम में पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी अच्छी क्वालिटी है जो बात है। तो हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है और 180p की IPS पैनल मिलता है, तो काफी अच्छी HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसमें सबसे जो बेस्ट थिंग है इसकी डिस्प्ले पर यार आप हलवा पूरी समोसा कचोरी कुछ भी रख के खा सकते हो। वैसे यार ऑनेस्टली बताना ऐसा कौन कौन करता है मुझे कमेंट करके, मैं तो यार बस चाय का कप रख के इस पर चाय पीता हूँ। तो हम जो वेरिएंट आपको गिव अवे करने वाले हैं उसकी आप रैम और हार्ड डिस्क देख सकते हो, 8GB 128GB में वेरिएंट है मेरे पास, और 10 एंड्रॉइड का सपोर्ट आपको मिल जाता है। काफी अच्छा आपको यार प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यार मन में तो लड्डू फूट गया होगा। इसी के साथ दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज आपको मिलने वाली है वो इसमें 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। तो यार ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है इस प्राइस रेट पर। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है भाई इसमें मुझे जो पसंद आई वो टाइप सी तो केबल है ही, उसमें 30W का चार्जर मैंने आपको पहले बता दिया। यार पबजी खेलते खेलते मैं ऐसा होगी ना आपको दिखा के यार पहली बार में तो आप कसम से डर जाओगे। तो दोस्तों दूसरी बड़ी चीज है यार ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो कि यार मुझे सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो मैं थोड़ा सा गेम वेम ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको किस टाइप से इस पर वर्क करेगा। तो सबसे पहला गेम मैं इस पर सैन एंड्रीज चला रहा हूँ, GTA सैन एंड्रियाज आपने खेला होगा कभी ना कभी। तो इसमें आप गेम प्ले देखने को आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, गेम स्पेस जो इसमें स्पेशल दिया गया है गेमर्स के लिए। ऊपर आपने देखा होगा स्टेटस बार के
पास, तो मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया थोड़ा सा, तो जल्दी से प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर मैं फुल ग्राफिक्स पर इसे यूज़ कर रहा हूँ, फुल रेजोल्यूशन कर रखा है मैंने इस गेम का। बट ये गेम ना इतना सा भी नहीं अटका, अभी मैं एक और लाइव एग्जाम्पल आपको देकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पर यार 5 स्टार लग चुके, 1 स्टार की और कमी है, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा देता हूँ। तो मैं अभी पबजी भी आपको खेल करके दिखाऊंगा इस पर किस टाइप से चलेगा फुल रेजोल्यूशन के साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गाइज 6 स्टार लग गए पूरी मैया। तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ, मैं कई सारे एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ गाइज, इसमें बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे क्योंकि ये हेलियो G90T का प्रोसेसर इसमें दिया गया है यार, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा सुपर है यार। किसी किसी को ये प्रोसेसर पसंद नहीं आता क्योंकि वो मीडिया टेक यूज़ करना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन से बताऊँ मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया गाइज। और आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन कर लिए, अब मैं एक एक करके इनको ओपन करके दिखाता हूँ, आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी, जहाँ पर गेम था वहीं आपको मिलेगा और जहाँ पर हमने और एप्लीकेशन खोल रखे थे वो भी हमें वहीं मिलेंगे। पूरी रात भी रख दोगे ना तो भी यार ये यहीं अटके हुए मिलेंगे, तो यार कितना ज़्यादा अमेजिंग ये लगता है ना। तो अब बात कर लेते हैं इस प्रोसेसर की नेगेटिविटी के ऊपर। तो कई यूट्यूबर्स का कहना है कि पबजी के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो मैं अपने ओपिनियन से बताऊं फ्रेंड्स, मैंने 30 मिनट्स इस पबजी को खेला लेकिन मुझे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ा बहुत तो हीट होता ही है फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यार, अच्छे अच्छों के तो पसीने छूट रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है यार, ये तो फ़ोन है इसके तो पसीने छूटने लाजमी है। 33 डिग्री तक ये पहुँच गया था, आप अभी मैं दिखाऊँगा आपको, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, इतना नॉर्मली चल जाता है। बट हाँ, ये 5-6 घंटे अगर हम लगातार पबजी खेलते हैं तो 47 के अप्रॉक्स हमें देखने को डिग्री मिल जाती है इसकी, काफी ज्यादा। बट हम यहाँ पर नॉर्मली यूज की बात करें तो 37 डिग्री आपको देखने को मिल जाती है आधे घंटे में। तो अब फ्रेंड्स, अब मैं इसकी फिंगरप्रिंट की स्कैनर की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट आपको स्कैनर मिल जाता है, देख सकते हो आप, मैं थंब को टेक ही रहा हूँ और एकदम से खुल जा रहा है। और ऐसा मैंने एक बार नहीं किया, 100 बार करके देखा, इस वीडियो को तो मैंने स्किप कर दिया बट मैंने काफी बार ट्राई किया, ये हमेशा खुलता गया। तो अब मैं इसके फेस लॉक की बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ये इतना ज्यादा फास्ट है गाइज, इतना ज्यादा तो फिंगरप्रिंट भी नहीं है, 0.23 सेकंड में खुल जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है गाइस कि मैं टकला जो हो गया हूँ उसकी वजह से मुझे जल्दी से रीड कर पा रहा है। तो अगर आपको भी ऐसी स्पीड का मजा लेना है तो आपको भी टकला मॉडर्न करवाना पड़ेगा। इसी के साथ आपको एक और फेस अनलॉक में एक बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा, मैं जैसे ही नीचे को करता हूँ ऊपर को करता हूँ एकदम से फेस अनलॉक हो जाता है गाइस, ये ऐसा एक्सीडेंटली नहीं खुलने का, जब आप रियल में ट्राई करोगे तभी ये खुलता है। तो यहाँ हम कैमरे की बात करें तो कैमरे थोड़े से कम लग रहे हैं, 5-6 और लगा देते यार, तो इसमें आप सभी कैमरास के मेगापिक्सल देख सकते हो। तो जैसे कि 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा, इसके मैंने कुछ शॉट्स कलेक्ट किए हैं जो कि आप देख सकते हो, 1x पर फोटो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का फोटो मिलेगा, तो काफी ज्यादा डिटेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं हम 2x पर अगर फोटो खींचते हैं तो देख सकते हो आप फ्रेंड्स कितना ज्यादा जूम हो गया हमारा 2x पर ही, तो काफी ज्यादा इसमें भी हमें क्लियरिटी देखने को मिल रही है, डिटेल देखने को मिल रही है। वहीं हम 10x जूम के साथ अगर फोटो क्लिक करते तो आप देख सकते हो किस टाइप की आपको क्वालिटी मिलने वाली है, तो काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं मैं खुद, क्योंकि यार इससे हमारे घर के सामने जो हमारी सेटिंग रहती है ना उसके हम आराम से छुपके चोरी से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो 1x पर मैं आ गया हूं, आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। तो अब मैंने इसके बड़े भैया यानी कि Realme 6 Pro और 6 के कुछ फोटो कलेक्ट किए, आप देख सकते हो यार कितने ज्यादा डिटेल में आपको माइक्रो शॉट्स नजर आ रहे होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस गिव अवे कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए आपको क्या करना है। यार काफी ज्यादा यूट्यूबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लिम वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, उससे हमें यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, आपको सिंपली मेरे इंस्टाग्राम आईडी का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको आप जाकर फॉलो करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी पर ही मैं पहले अपलोड करूंगा विनर्स के नेम। तो अब मैं आपको कुछ सेल्फी सैंपल्स दिखा देता हूँ अपने खुद के, देख सकते हो आप कितने ज्यादा व्हाइट टोन और यार डिटेलिंग अच्छी है काफी। इसी के साथ मैंने इस फोन के वाटर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, तो यार इस फ्यूचर से भी इस फोन ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया, आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया ताकि यार वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो मान लीजिए आप नहा रहे हो और नहाते नहाते आपका फोन निकल गया जेब में से, या फिर आप बारिश में भीग गए हो पूरी तरह से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, ये खराब नहीं होने का, 1 मिनट तक ये अप्रोक्स जिंदा रहेगा। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है पानी में से निकलने के बाद भी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा घर पर कुछ भी मत करना अपने फोन के साथ यार। तो इसी के साथ ये फोन वाटर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में बिल्कुल पास हो जाता है, और मेगा ड्रॉप टेस्ट में भी ये फोन बिल्कुल पास हो जाता है, मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि फ्रेंड्स हमें इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जिससे कि होगा ये कि 5 फुट से अगर हमारा फोन गिरता है तो कोई भी इसको डैमेज नहीं होगा। तो मैं इस मोबाइल फोन के स्पीकर का टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, मैंने सिंपली NSC का म्यूजिक लगा लिया कॉपीराइट फ्री, क्योंकि यार कॉपीराइट से मुझे इतना ज्यादा बयान नहीं है, इसलिए मैं रोमांटिक गाने नहीं बजा सकता।
तो गाइज यार, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि गिव अवे के रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं। तो यहाँ आप वीडियो की क्वालिटी देख सकते हो, इस फोन की काफी ज्यादा यार इम्प्रेस करने वाली है। तो इसमें आपको कई सारे अलग अलग फीचर भी देखने को मिल रहे होंगे, वो जो स्क्रीन को स्वाइप करके मैंने बड़ी कर ली है। तो इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए सिंपली आप अच्छी अच्छी कमेंट करो, वो फिर बाद में हम पर छोड़ दो कौन विनर है कौन नहीं, क्योंकि आप सभी को मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा है, मैं आपका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ने का हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको एक और ऑप्शन मिलता है HDR का। YouTube में आप पहली बार HDR इस टाइप का कुछ देख रहे होगे, तो इसमें आपको फंक्शन मिल जाता है HDR में देखने के लिए भी। उसके बाद हमें Android 10 मिल रहा है, तो इसमें डार्क मोड देखने का फीचर तो जरूरी मिलेगा, तो ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो गाइज, अब जो छोटी सी कमी मुझे नजर आई है इस फोन में, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फ्लैश लाइट थोड़ी सी कम जलती है, थोड़ी सी कम रोशनी है, वैसे कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो यार ये फोन आप तक कैसे पहुंचेगा मैं बता देता हूँ। मैं सिंपली किसी भी ऑनलाइन स्टोर से इसे बुक करूंगा, फ्लिपकार्ट अमेज़न से, और वो लोग क्या करेंगे आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। मैं जो इस वीडियो में जीतने वाला विनर होगा उसका नाम, उसका एड्रेस वगैरह लेकर उसके यार एड्रेस पर सेंड कर दूंगा, एरोप्लेन से आपके पास पहुंचा देंगे। गाइस यार ये जो आप फोन देख रहे हो, ये तो मैंने अपने पर्सनली यूज के लिए लिया यार, अपने भी कुछ अरमान वरमान होते हैं उनको भी फोड़ना पड़ता है, ये मैंने सिंपली अपने पर्पस के लिए लिया है, अपने वीडियो वगैरह के, अपने यूट्यूब पर्पस के लिए लिया है। तो आप तक तो फ्रेश फोन आएगा एकदम से। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्या क्या देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखने के लिए तो काफी ज्यादा फीचर हमें मिल जाते हैं, लेकिन मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें आप देख रहे हो, मैंने स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से छोटा सा क्लिक किया है, जो कि आप कर सकते हो। और इस फोन में आपको प्रीलोडेड वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि और फोन्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, कमी मिलते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको प्रीलोडेड वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं अपनी स्पेशल कमेंट की तरफ, जो कि मैं अपनी हर एक वीडियो में करता हूं। तो एक भाई का कमेंट था कि आदि भाई, आप Q&A भी करा करिए हर संडे। तो एवरी संडे तो नहीं, वन मंथ में एक बार तो होना चाहिए। आपकी क्या राय है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। तो इसी के साथ वीडियो का होता है हमारी एंड, और गिव अवे के रिजल्ट का इंतजार होता है शुरू। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।